वेलकम वेलकम पे लगाऊं कैसे हो जी? मेरा कैमरा तो चल रहा है, मेरा तो चल रहा है। हाय हेलो यार, इधर ही लगा लो कार के आजू बाजू डाल दो, क्लच प्लेट फूटते हुए आयो पूरी। ओके जी ओके, इधर एकदम से बारिश। पर आपको बारिश मिली कहाँ से? इधर तो इधर टनल बाहर बारिश हो रही थी आप पर, बीच में मिली आपको? नहीं अरे आप यहाँ तक, अब यहाँ पे अब शुरू हुई है, यहाँ पे अब शुरू हुई है, आप लेके आए हो साथ में अपने। चलो भाई वेलकम वेलकम। कुछ बोलना चाहते हो? पहुंच गया हूँ फाइनली ये मोहित भाई के पास। मैं चाहता था 2 घंटे पहले, वहाँ इतने अच्छे अच्छे कैंप थे वो जिसपा में, और वहाँ पर नहीं, मोहित भाई के साथ आज डिनर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया। आपकी अब ये आपकी फुटेज है, आपके व्लॉग में जाएगी। फैल्कन राइडर्स हैव अराइव्ड इन मनाली गाइस। मनाली का पता नहीं कौन सा ये जगह ढूंढ रखी है इन्होंने, हम तो आज तक इस मनाली में आए नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर रहते हैं। आपको ऐसी सुकून वाली जगह देंगे ना हम। तो कितने घंटे लगे फिटिंग में भाई? 8 से लगा लो, 8 से 14 घंटे स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम हाले। बिल्कुल नहीं रुके, कहाँ रुके थे? पद्मा रुके थे हाले में? नहीं पद्मा ने हॉलीडे में। हॉलीडे पर भाई साहब मतलब बारह लाचरा से पहले पांग के बाद से लेके यहाँ तक ना हमारे पास कोई फोटो है ना हमारे पास कुछ होगी भी नहीं ना, वो मैं समझ रहा हूँ ना। हाँ कहीं नहीं रुके, बस भगम भाग भगम भाग भगम भाग। मतलब हम खुद भाई गाड़ी में सूटम, मैं वही तो कह रहा हूँ, गाड़ी में क्या थक जाते हैं ना भाई, गाड़ी में मत थक गए आप तो बाइक पे आए हो, वही तो कह रहा हूँ। फिर नॉन स्टॉप बारह लाश ने बस, मैं उतरा, मैंने कहा तू मत उतर, मैंने कहा तेरी फोटो खींची, मैंने अपनी सेल्फी खींची, चलो चलो इसकी। और पेट्रोल का इशू हो गया था, इसने गलत कैलकुलेट किया वो जो हमने, तो आपने हालने से तो नहीं डाला ना पेट्रोल? हमने 3 जगह डाला, हमने पहले हालने में डाला लोकल पेट्रोल, फिर हमने न्योमा में डाला ओपन, फिर हमने ओपन पेट्रोल डाला इसमें जब नकीला और लाचुंगला के नीचे भरतपुर, भरतपुर नहीं 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 भरतपुर तो उससे पहले है, बारह लाचरा से नकीला और लाचुंगला के बीच में भी एक नहीं पड़ते टेंट, हाँ दो तीन, वहाँ भी डाला पेट्रोल। सही है क्योंकि वहाँ से बारह लाचरा से ब्लिंक कर रही थी इस लाइट पर, मैंने कहा था कि मैं एक बार आया हूँ बारह लाचरा से, पहुँच जाएगी, पहुँच गई अभी फिर पहुँच गई, फिर लाइट वाइट सब पहुँच गई। चल बढ़िया भाई, दोस्तों गुड मॉर्निंग, और थोड़ी सी मेरी शक्ल में मत जाना, थोड़ा बस सो के उठाऊँ। और आज क्या है कि जब से सुबह से उठे, इनफैक्ट रात से ही बारिश हो रही है, सो फुल बारिश है। और अब दिक्कत यह है कि कितना डिले करें, क्योंकि अगर आज घर नहीं पहुँचे तो समझ रहे हो आप, कल जो उमलिंगला नहीं करा और कल जो इतनी चला कर आए, सब वेस्ट हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, एवरीथिंग इज़ लाइक। पर भगवान जी भी मुझे लगता है कि हमारा टेस्ट लेना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर वो चाहिए जो तुम चाहते हो तो तुम्हें टेस्ट तो देना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि बस अब उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, 8 बजे हमारे को निकलना था, 9 बजने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब निकलते हैं, जो कल कपड़े पहने थे वही पहन लेते हैं, थोड़े से गीले हो रहे थे कोई बात नहीं, ऊपर अपना जो रेनकोट है वो डाल के और निकलेंगे और देखेंगे। वैसे रास्ते भर बारिश है जहाँ तक हमने देखा है, मनाली में हो रही है, कुल्लू में हो रही है, मंडी में हो रही है, बिलासपुर में हो रही है, बारिश है धीरे धीरे, सो पर जो है सो है, सो वी हैव टू लीव। एंड आज अगेन एक बहुत ख़तरनाक और बहुत मुश्किल दिन होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है घर तक के लिए, सो जुड़े रहिए ठीक है। मेरे को लगा सुबह सुबह आपको एक अपडेट दे दूँ, सो थैंक यू मच अभी तक जुड़ने के लिए, और अभी जाना मत घर तक, आपको साथ लेके जाना मेरे को ठीक है। और ये नहीं कि बस सर अब हो गया हमारा तो फन हो गया, हमने तो अच्छी अच्छी जगह देख ली, अब घर जा रहे हो आप, अब हमारे हम अब क्या देखें हम, ऐसा नहीं, घर तक। ऑल सेट, सो दोस्तों हम चल रहे हैं फॉग हिल्स कॉटेजेस, थैंक यू मोहित भाई। और सुनो खतरनाक रील बनाते हैं ये, कहाँ है तेरा वो इंस्टाग्राम, मोहितो ट्रेवल्स?
दैट हाईवे गाय, खतरनाक रील बनाते हैं ये, देखना इंस्टाग्राम पे जाके। ये इनकी थार है, अनएक्सप्लोर्ड लद्दाख आईबैक्स। भगवान जी बस, और टेस्ट मत लो, कल कल प्रसाद दिया भगवान जी ने, कल बारिश नहीं करी। आपको पेन खींचना था वो, हाँ कल तो बहुत क्रूशल था, कल बहुत क्रूशल था, बाबा ओके भैया थैंक यू, ओके सर थैंक यू। भाई भाई लोगो भाई, तो दोस्तों निकल पड़े हैं एक टफ जर्नी पे, टफ दो सेंस में है, एक तो मनाली टू घर हमेशा बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, दूसरा बारिश तो आपको पता ही है, और रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते जाम ना हो, भगवान थोड़ा ध्यान रखना। आप लोग कह रहे होगे भगवान जी बहुत याद आते हैं सर आपको, नहीं ऐसी बात नहीं है, कनेक्शन ये ना एक है एक। अब यहाँ से निकलेंगे कुल्लू, बारिश कंटिन्यूस है, हो ही रही है, बारिश में कोई वो नहीं है, लीनियंसी। पता है ऐसा फनी थिंग, जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन मेरे को याद आ रहा है, मैंने ये बोला था पहले दिन या दूसरे दिन कि प्लीज़ बारिश वारिश ना हो या ना, अभी पूरा चाहे जाते वक्त पूरा भिगा देना, कोई टेंशन नहीं, पर अभी नहीं। और समय मेरे को बात याद आ रही है, मेरे को लग रहा है किसी के पास ना नोटबुक है और वो सब कुछ लिख के रखता है कि आपने क्या क्या बोला था और आपने क्या क्या मांगा था, ले ये मांगा था लो चेक करो भिगो अब। चलो बारिश वारिश भी देख लेंगे, बस कहीं रोड ब्लॉक और वो सब ना हो कि घंटों का खेल हो जाए, कहीं रास्ते रुके हुए हों या यहाँ से बंद है कहीं और से जाओ फिर वो लंबा रास्ता लेके जाओ, बस वो सब बहुत दुखदाई है। तो दोस्तों ये जाम लगा हुआ है, मंडी 35 किलोमीटर है और आगे पत्थर गिर रहे हैं, वो देखो वो आया और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, इधर भी गिर सकते हैं वैसे तो, रिस्क है सब जगह। वो गिरा हुआ है, पूरा रोड बंद है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। ये जेसीबी खड़ी हुई है, पर जेसीबी तब काम स्टार्ट करेगी जब स्टेबल हो जाएगा कि पत्थर अब और नहीं गिरेंगे, पता चला बड़ा पत्थर आया और जेसीबी को तोड़ता हुआ नीचे ले गया। हाय मैन, How are you? Where are you going? Huh? Today where? एक मिनट यार, sorry. Oh, it's okay. No, बोलो ना, क्या बोल रहे हो? आज कहाँ जा रहे हैं? आज चंडीगढ़ जा रहे हो? चंडीगढ़ जा रहे हैं। पत्थर गिर रहे हैं पर बड़े बड़े, किसी भी टाइम गिर सकता है। वो देखो अरे, हाँ हमने भी पीछे लगाया गाड़ी पर एक। सो दोस्तों आगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया वो तो कह रहे हैं शाम तक खुलेगा, हाँ नहीं नहीं जो वो तो कह रहे हैं शाम तक नहीं खुलेगा शायद। अच्छा आप फिर वापसी आए? मैं दूसरा रास्ता है मंडी जाने का वो ट्राई कर रहे हैं। अच्छा कटोला वाला इधर जा रहे हो? ऊपर से एक रास्ता कटोले वाले से। अच्छा वाला जा रहे हो? हाँ अब पता नहीं वो भी खुला है नहीं, पर ट्राई कर रहे हैं, यहाँ तो शाम तक का कह रहे हैं खेल है। इधर से कह रहे हैं एक साइड तो खुल गई। नहीं कहाँ खुली, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ फ्रंट से, सब बंद पड़ा है, पत्थर ही पत्थर। पत्थर नहीं जहाँ पे वो गिरा हुआ लैंडस्लाइड, आधा किलोमीटर आगे। अच्छा। ये सब वापस जा रहे हैं घूम घूम के, आगे से कोई नहीं आ रहा, खुला नहीं है। तो दोस्तों वही वाला रास्ता है जिससे हम आए थे, कटौला गांव से होते मंडी से जो हमने दूसरा रास्ता पकड़ा था, एंड आई एम फिंगर क्रॉस कि ये रास्ता खुला हुआ।
पूछते हैं कोई आ रहा हो आगे से तो किसी से। टूटा फूटा और वैसा तो था ये, पर एटलीस्ट खुला हुआ वो मेन है। वहाँ खड़े खड़े कुछ ना करने से अच्छा हमें लगा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, वरना कोई नहीं वापस आ जाएंगे, फिर उधर से ट्राई कर लेंगे, यही करते रहेंगे आज बस। आप इधर से आ रहे हैं? आगे बोल रहे हैं, आगे भी क्लोज है इस तरफ। बंद है? किससे बात हुई आपकी? गाड़ी वालों से हुई है इन भाई साहब की, अभी हम देख रहे हैं किसी से पूछ लें कि बाइक निकल सकती है या नहीं। सर बाइक निकल जाएगा आगे मंडी? कितनी दूर में बंद है? लैंडस्लाइड है? अच्छा, सो ही सेइंग कि 13 किलोमीटर बाद एक जगह लैंडस्लाइड है, तो वो कह रहे निकल जाएगा थोड़ी देर में, मशीन आ जाएगा तो। एंड देखो अभी तो हमारा सेफेस्ट बेट यही है रास्ता अभी, क्योंकि वहाँ हमें पता है घंटों का खेल है। सो अभी ज़्यादा दिमाग लगा लिया है, अब इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि ये होगा वो होगा फलाना होगा, ऐसे अच्छा देखते हैं बस। ओके भैया थैंक यू। ओके भैया चलो दोस्तों, भैया ऊपर से आए, उन्होंने बोला है कि रास्ता खुल गया निकलो फटाफट, तो देखते हैं भैया क्या सीन है क्या अपडेट है। हमने करीबन 1 घंटा यहाँ पे वेट किया, बोला बस पत्थरों का ध्यान रखना, कहीं छोटे मोटे पत्थर गिर रहे हो तो रुक जाना, मतलब उसका ध्यान रखना बस। सो जगह जगह पत्थर तो गिरे हुए हैं, पर जो मेरी बात हो रही थी यहाँ पे लोकल से, कि वो बोल रहे थे कि जो मेन हाईवे है ना वो ऐसे में ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वो रास्ता पूरा काटा गया है 4 लेन बनाने के लिए, तो पहाड़ों की कटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो उस वजह से वहाँ पे पत्थर गिरने लैंडस्लाइड्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस मानने में ये रोड ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ये पुरानी रोड है और इसके जो पहाड़ हैं और जो गिरना है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दैट हाईवे। तो ये उन्होंने एक चीज़ बताई जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं सही है, जिसके पीछे साइंस है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। देखो ना ऐसे फनी वर्ल्ड और लाइफ ऐसी है, जब हम आ रहे थे तो हमने बोला था कि यार इस रास्ते से वापसी नहीं करेंगे, रात को करा था हमने ये, तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। अब रात को क्या गड्ढे वड्ढे दिखते नहीं है तो और दिक्कत हो रही थी, पर देखो कुदरत का करिश्मा, इसी रास्ते से ही जा रहे हैं, और वो भी अभी पता नहीं कहाँ पहुँच पाएंगे, पता चला पहुँच ही ना पाए वापस आना पड़े। सो फिंगर क्रॉस वंस अगेन। आप बोलोगे सर आप कितने सुपरस्टिशियस हो, अरे यार ये सब फ्रेसेस हैं बस निकल जाते हैं, मैं खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ मैं हूँ क्या, इसलिए पहाड़ों में घूमता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल भी नहीं आया रास्ता, बंद है, बंद पड़ा है पूरा। देख कर आया वहाँ पे? हाँ। मतलब अभी तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा, सारा यहाँ से ढह गया है, ये सारी गाड़ियाँ जा रही है सारी वापसी आ रही है, बाइक तो फिर भी निकल जाएगी, नहीं निकल रही बाइक निकल जाएंगी मतलब वापसी आने के लिए। अच्छा जो गाड़ी गई वो वही रह गई। It's closed. He's coming from there. हाँ मतलब पता नहीं ये खुले दोनों दोनों
कंफ्यूजन है, आई एम जस्ट टेकिंग दैट बेट. ये भी पता नहीं कब क्या खुलेगा, कुछ होता नहीं. वो तो नीचे से ही ट्राई कर रहा है, कह रहा है कि चांसेस इसके हैं कि ये चलता रहे, खुल जाए धीरे धीरे, उसके पता नहीं. इतना कंफ्यूजन हो गया ना, ऊपर से जाएं नीचे से जाएं, ऊपर कोई कुछ, नीचे ज़्यादा, नीचे रिस्क है, नीचे ऊपर वो है, पता नहीं यार. मतलब फालतू दिन होता है ना मेरे पास, मैं कहीं नहीं जाता. मैं जाता मनाली, होटल लेता और एक दो दिन जब तक खुलते नहीं मैं रहता आराम से. एसटीसी में गया सब कुछ, पर वो भी नहीं कर सकता. तो दोस्तों वापस हाईवे पे आ गए हैं और मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है पर अभी भी जाम वहाँ लगा हुआ है. तो अब देखते हैं क्या अपडेट है, वहाँ तक है क्या है अब पता नहीं. अब ये पता है कि इसी रूट से जाना है, उधर का लेफ्ट राइट नहीं करना है. ट्राई करना था, कर लिया, वो भी ज़रूरी था, वरना दिमाग में रह जाता कि यार वहाँ खड़े गए, इससे अच्छा वही ट्राई कर लेते, वही चलता रहता दिमाग में. पर अब एटलीस्ट पता है कि हमने वो ट्राई कर लिया. और यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खुल गया है, तो हम बाइक से कवर अप कर लेंगे वो, तो हमें टाइम लॉस्ट किया है. ओवरऑल टाइम तो नहीं कर सकते, पर अगर हम इधर से जाते तो मतलब थोड़ा बहुत. दोस्तों ये वो जगह आ गई है जहाँ पे हम रुके हुए थे, अभी तो कोई जाम नहीं है, यहाँ पे खुल गया है. फटाफट निकलना है यहाँ से. टनल में पानी भरा हुआ भैया. क्या तांडव हुआ है यहाँ पे. चलो चलो, मैं नहीं अभी खा नहीं पाऊंगा. चलो ठीक है, करो आप. ये सबसे रिस्की स्ट्रेच है गाइस. नदी रोड पे आ जाती है. फुल पानी है इस बार रोडों पे, हर जगह कीचड़ स्लश. इतनी मोटी मोटी स्लश थी ना, अभी मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर पाया क्योंकि बाइक को संभालना एक बहुत बड़ा काम था. फुल स्लश, मतलब थिक मोटी कीचड़ ले. और अभी भी देख लो आप रोड पे हर जगह पानी पानी है. आओगे सर, मानसून का महीना है, पानी तो होगा ही. एग्जैक्टली. सो ये मानसून में आने का कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आप अभी देख रहे हो. वाटर क्रॉसिंग पे वाटर क्रॉसिंग, जहाँ पे कभी नहीं होती रोडों पे वाटर क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे मनाली से हाईवे पे. मतलब हर जगह पानी पानी पानी. गाड़ी पानी ना उछाले बस. फुल बवाल है भैया, फुल बवाल. मजे ले लो मानसून के, आ रहे मज़े घर बैठे बैठे मानसून के. सब कुछ बह रहा है, रोड बह रही है, पहाड़ बह रहे हैं, नदी बह रही है,
का बुरा हाल हो गया। सिक्किम में भी ऐसे ही हुआ, बारिश मिला पूरा नहीं मिला पर अच्छा मिला था। इस बार भी सिक्किम सा याद आ रहा, बारिश बारिश सुबह से बारिश नॉन स्टॉप बारिश। पूरी तेज बारिश हो रही है अभी। वैसे बारिश बस तेज होती जा रही है, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड्स वाली जगहों पे पत्थर भी छोटे छोटे गिर रहे हैं। वो व्हाई इज इट्स वेरी रिस्की। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि अभी आज कुल्लू में येलो अलर्ट भी है, उसको तो हमने क्रॉस कर लिया है पर मतलब गाजियाबाद सब बड़े। हाँ सही कह रहे, चलो 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 गो 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 गो। कैसे हो दोस्तों, पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहे बस। और पता ही क्या, ये जब आप मनाली आते हो तो ये स्टार्टिंग के जो करीबन 50-60 किलोमीटर है ना, ये एक्चुअली बहुत ख़राब है। अब हम जब उतर रहे हैं तो हम ये लास्ट में पड़ रहे हैं। हैवी ट्रैफिक, रोड में गड्ढे ऊपर नीचे और थक गए। रीज़न बारिश में पूरे टाइम जो भीगे रहे, उसके बाद जो सब आपने देखा। तो अभी ऐसे ही कहीं रुके हुए हैं एक जगह पे और चाय पी रहे हैं और साथ में कुछ बिस्किट। एंड एक बार जब प्लेन्स में आ जाएंगे हम तब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ सोना है, जो भी है। अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं करा है ना, हमने उस टॉपिक पर भी बात करी है। पहले पहाड़ ख़त्म हो जाए, बाकी कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दिमाग आउट है। चाय सही है तो जस्ट थोड़ी देर में मिलते हैं। बस हमने सोचा है कि 20 मिनट से लेके 30 मिनट्स का मैक्सिमम ब्रेक लेंगे, फिर निकलेंगे। थोड़ा ब्रेक की भी ज़रूरत है यार, पता है हमें खींचना है पर बॉडी को भी ब्रेक चाहिए, बाइक को भी ब्रेक चाहिए, सबको ब्रेक चाहिए। स्टिल हम काफ़ी खींच रहे हैं पर स्टिल वी नीडेड अ ब्रेक एंड वन शुड। भैया घर बात हो गई,
सब न्यूज़ में फैला हुआ है, बादल फट गया, मंडी, बारिश, पालमपुर, कुल्लू, सब जगह। तो देहरादून कोई पुल, रेलवे का पुल चला गया, तो ज़्यादा सीरियसनेस हो गई है। फिर उनको बताया कि नहीं भाई, वी आर काफ़ी दूर आ गए वहाँ से, सेफर डिस्टेंस। 50 मिनट लगेंगे रूपनगर के। हाँ हाँ, और अभी 8 बजे है ना। हाँ, 10 बजे तक चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। हाँ मतलब 10 बजे पर देखते हैं क्या मूड है, क्या बॉडी है, ठीक है, क्या करना है। मतलब अभी मेरी सिचुएशन उतनी ख़राब है नहीं। कैसे हो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो ये होटल है, अब मेरे को होटल का नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, रात को हमने लिया था। रातों काफ़ी लेट हो गए थे, करीबन 9:45 हो गए थे यहाँ पे, और ये चंडीगढ़ से थोड़ा सा पहले है, खानपुर आ रहा है। वैसे तो ये गूगल मैप्स पे तो खानपुर, पर कुछ और नाम है इसका, शायद मैंने आपको रात को बताया होगा। हाईवे पे और रात को 2 बजे दिखा रहा था घर, तो हमने कहा तो उसका कोई मतलब नहीं है, 2 का वो 3 ही बजता रात को, क्योंकि टाइम बढ़ता चला जाता है। तो हमने कहा कि 9:30-10 बजे मैंने कहा खाना भी मिल जाएगा, आराम करते हैं, पूरा दिन हो गया है, तो दैट्स इट। और अभी हम निकल रहे हैं सुबह 6:30 बजे, अभी 10:30-11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। एंड समहाउ वी ट्राइड आवर बेस्ट कि सैटरडे को ही पहुंच जाएं। सब कुछ किया हमने, सारी मेहनत करी, 2 दिन से चला रहे हैं, पर कभी कभी होता है कि जो आप चाहते हो वो होता नहीं है, पर इट्स ओके, यू हैव टू लिव विद इट एंड नो रिग्रेट्स, वी ट्राइड आवर बेस्ट। तो आज निकलते हैं आगे, और कल वैसे भी जो रास्ता आपने देखा था कुछ भी हो सकता था, मतलब सीरियसली एक टाइम तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी जब बारिश बहुत तेज़ थी कल, और ऊपर से जो पत्थर गिर रहे थे। पर एनीवे अब घर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, लव यू ऑल। थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ा है, घर पहुंचते हैं। सो दोस्तों यहां से निकल रहे हैं, होटल मिलॉर्ड। मेरे हिसाब से तो भैया अगर होटल बस ऐसा है कि अगर रात को सिर्फ रात गुजारनी है, फंस गए हो तो ठीक है, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैं इस होटल के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। उतने के लिए ये ठीक है, मतलब ख़राब नहीं है, ठीक है, अगर आपको रात गुजारनी है तो। ओके चलो, बाय बाय। ये भी एक ज़िंदगी है, खाट पे जा रहे हैं बैठ के, बच्चा